सर नकल माफियाओं के साथ मिला हुआ है। देखिए मैंने बहुत स्पष्ट अपनी बात को रखा कि पूरा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है और ये सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। पिछले समय इस तरह के तमाम मामले सामने आए। अभी देवरिया में एक ग्राम प्रधान के घर से पेपर और कॉपी प्राप्त किया गया। जब संस्कृत का पेपर आउट हुआ था और पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, समाचार पत्रों ने उसे प्रकाशित किया था, तो सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? उन माफियाओं के साथ सरकार का गठजोड़ है और वो गठजोड़ उजागर होने के उपरांत सरकार को तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए थी, उनके भविष्य को निर्धारण करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन जब सरकार के तंत्र में और सरकार में ही भ्रष्टाचार छुपा हो तो वो तो आवाज को दबाएगी, कुचलेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली। हम पत्रकारों के साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के लिए लड़ेंगे, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए।